हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो हम इसको कैसे जिए। और भी 84 लाख योनियां हैं जानवर की, पशु की, अलग अलग प्रकार की, लेकिन हम मनुष्य बने, दैट मीन्स हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इस मनुष्य जीवन का एक हायर पर्पज है, ये पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं है। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, बच्चे पैदा करना, खाना पीना सोना, ये सारे कार्य तो जानवर भी करते हैं, और मनुष्य इन सारे कार्यों को करता है बड़ा स्ट्रगल करके। सोने के लिए अच्छा गद्दा चाहिए, है ना। तो ये मनुष्य जो जीवन है ये सिर्फ इसी कार्य के लिए नहीं मिला है, इसका पर्पस कुछ और है। इसको जीने का पर्पस कुछ और है, किसी और टारगेट को अचीव करने के लिए हम मनुष्य योनि में आए हैं। हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जो हमें मनुष्य जीवन मिला, ये बहुत रेयर है। और इस मनुष्य जीवन में आकर भी यदि व्यक्ति आहार, निंद्रा, भय, मैथुन में अगर लगा रहता है तो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है। अगला जीवन डेफिनेटली उसको मनुष्य का नहीं मिलेगा, जानवर को मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों में घूमेगा, तब जाके पता नहीं कब फिर दोबारा मनुष्य मिलेगा। तो अभी अगर मनुष्य जीवन मिला है तो उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए, इसको भगवान की सेवा में लगाइए। जो मेन पर्पज है इसका वो क्या है, हमें भगवान ने स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धि का यूज करके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए कि आत्मा जो है वो अपना जो रियल पर्पज पूरा करने के लिए शरीर उसको मिला है, तो उसको हम पूरा करें।